तीन से कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं? आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि हम ये नियम क्यों याद करें, क्यों समझें इसको। तो बिल्कुल सिंपल है, आप चाहते हैं गणित आपके लिए आसान हो, कैलकुलेशन फास्ट हो, तो ये जो बेसिक नियम है वो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि किसी भी संख्या को देखते ही आपको तुरंत पता लग जाए कि वो तीन से विभाज्य है या नहीं है। जैसे हम अपना गुणनखंड इत्यादि करते हैं या संख्याओं को ऊपर नीचे काटना होता है, तो वहाँ पर ये नियम आपके लिए औषधि का काम करते हैं। इसका नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, समझ गए। जैसे उदाहरण लेते हैं हम एक, अपना 54, इसके अंकों का योग हम करके देखें, 5 प्लस 4 कितना रहे, 9। 9 आपका 3 से विभाज्य है, यस। तो ये 54 भी आपका 3 से विभाज्य है। तो इसमें हमने 3 का भाग दिया, तो भाग कितनी बार जा रहा है, एक बार, और 3 8 24 8 बार। ठीक है, अब हमने इस प्रकार के और एग्जाम्पल देख लेने हैं। जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो भी आपका 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, यानी विभाज्य है तो भाग करेंगे, नहीं है तो फिर हम उसको दूसरी संख्या से चेक करेंगे। आसान है।